सियासी समर में शुरू हुआ पोस्टर वार, क्या पोस्टर लगाएंगे चुनावी नैया पार? चुनावी महाभारत में राम कृष्ण अवतार। लोकसभा चुनाव का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है, रैलियों का शोर शुरू होने से पहले पोस्टर वार भी तेज हो गई है। गोरखपुर में सिंघम अवतार के बाद पटना में राहुल गांधी के राम अवतार वाले पोस्टर पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी पर तंज कसते हुए पोस्टर में लिखा गया है, वे राम नाम जपते रहे, तुम राम नाम जियो रे। कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी में राम का स्वरूप देख रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने संकेत दिए थे और अब कांग्रेस के नेता पोस्टर लगा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, एक पोस्टर यहां भी है जहां पर राहुल गांधी को राम के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेसी नेता काफी उत्साहित हैं और उनमें राम की छवि को देख रहे हैं। दरअसल पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को राहुल गांधी की बड़ी रैली होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यूपी के बाद बिहार में भी राम नाम की राजनीति गर्म हो गई है। हनुमान पोस्टर और रथ यात्रा के बाद कांग्रेसियों को राहुल गांधी में राम की झलक दिखाई देने लगी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल की तुलना राम से की तो बीजेपी का पारा गर्म हो गया। जाहिर है इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा गर्म है और बीजेपी राम बाण के जरिए माइलेज लेने की कोशिश में है, इसलिए कांग्रेस पोस्टर सियासत में उतर गई है। मानस मुझे जीवन चरित्र की जानकारी देता है, जीवन चरित्र के बारे में बताता है, तो गीता एक तरफ कर्म के बारे में बताता है। तो आज जिस हालात में हमारा देश जा रहा है, जो NDA के शासन जिस रूप में समाज को ले जा रहा है, यह रावण के शासन से कम शासन नहीं है। ऐसी स्थिति में राम की जरूरत है और राम के रूप में हम लोग राहुल जी को देख रहे हैं। चुनावी महासंग्राम में पोस्टर वार नई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर हमला बोला है। उसका कहना है कि सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जो लोग रैली के लिए पप्पू खान और रांची में बंद कैदी की मदद ले रहे हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं? घोर कलयुग आ गया। अरे भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, आज उनकी तुलना आप राहुल गांधी से कर रहे हैं, जिनके रैली के सहयोग में अनंत सिंह और पप्पू खान जैसे लोग हैं, तो ये कौन सी सेना है? गोहिल जी यह बताइए। इंदिरा जी को इंडिया कह दिया और इंडिया को इंदिरा जी कह दिया, तो ये राजनीति में जो डोपोरसंखी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, और जो इन्हीं परिवार के सिफारिश पर अपनी तरक्की लेना चाहते हैं, तो हर तरह के बात बोलते रहते हैं। चुनावी माहौल गर्म होने के साथ पोस्टर वार और तेज होगी। 2 दिन पहले ही गोरखपुर में प्रियंका गांधी को झांसी की रानी के रूप में दिखाया गया था। पोस्टर में लिखा गया था कि रिटर्न 2019, अगले PM राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी RJD को राहुल के राम अवतार पर कुछ भी गलत नजर नहीं आता। राम का नाम लेना है देश में, हिंदुत्व का, हम भी राम का नाम लेते हैं, तो राम का नाम लेने से हिंदुत्व का समर्थक होगा, ये कहना गलत है। गांधी जी राम का नाम लेते थे, गांधी जी को गोली लगी और जब गिरने लगे तो उन्होंने हे राम का नाम लिया, तो गांधी जी पर हिंदुत्व का आरोप तो नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको हमको लगता है कि तुल नहीं देना चाहिए। कुछ दिन पहले ही पटना में एक और पोस्टर सामने आया था, जिसमें राबड़ी देवी को माँ दुर्गा और राम विलास पासवान को महिषासुर के रूप में दिखाया गया था। इससे पहले तेजस्वी और तेज प्रताप के कृष्ण और अर्जुन अवतार वाला पोस्टर सुर्खियों में रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर सामने आए थे। ऐसे पोस्टर से सियासी पार्टियों को चुनाव में कितना फायदा होता है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे नेता सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं। कांग्रेस इस वक्त मोदी को घेरने के लिए इसी मंशा के साथ आगे बढ़ रही है। राम और मंदिर की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में भी ये दोनों शब्द काफी प्रचलित रहेंगे और प्रासंगिक रहेंगे। आशुतोष चंद्रा, Zee Media, पटना।